नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज योगी सरकार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2 आयोजन करने जा रही है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में 65,000 करोड़ के निवेश की नींव रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम रमेश हिमाचल की गोद में बसे 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मसूरी में होने वाले सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि हिमालयन कॉन्क्लेव में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन, वन अधिनियम व वन क्षेत्र की अधिकता जैसे विषयों के अलावा जल संरक्षण विषय पर चर्चा की जाएगी। कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हो रही है। इस बैठक के दौरान विधानसभा में येदुरप्पा के विश्वास मत हासिल करने और मंत्री पद को लेकर चर्चा हो सकती है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के सामने आज देश में कोई पार्टी नहीं है और आज भाजपा का सामना खुद से है। आगे उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस मुक्त करने के बाद भाजपा युक्त बनाना है, साथ ही हमें दक्षिण से लेके उत्तर और पूर्व से लेके पश्चिम तक भगवा लहराना है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिलिंग ने इन वाहनों पर लगने वाले जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी अब महज 5% ही जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की नई दरें आगामी 1 अगस्त से प्रभावी होगी। पश्चिम बंगाल के निवर्तमान राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास अपने फैसले को लागू करने का विजन और शक्ति है। लेकिन आगे कहा कि ममता को हर नागरिक को बिना भेदभाव और समान रूप से देखना चाहिए। कांग्रेस ने मुंबई की कमान एकनाथ गायकवाड़ के हाथ में दे दी है। आपको बता दें कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद से मिलिंद देवड़ा के इस्तीफा देने के बाद एकनाथ गायकवाड़ को कार्यकारी अध्यक्ष पद सौंप दिया गया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार अभी मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और उन्हें एकनाथ गायकवाड़ के साथ काम करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर का यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्वागत करते हुए कहा कि शेखर तो एक परिवारवादी और जातिवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका पार्टी में पूरा सम्मान होगा। भाजपा सांसद रमा देवी ने सपा नेता आजम खान की लोकसभा में दी गई टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आजम जैसे नेता का सामना करने की हिम्मत है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस कुर्सी पर मैं बैठी थी वह सभी की है और आजम ने इस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि देश की सभी महिलाओं के लिए किया है। महाराष्ट्र में हो रही बारिश के कारण मुंबई और कोल्हापुर के बीच चलने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस बदलापुर और बनगानी रूट पर पानी में फंस गई, जिसमें लगभग 700 यात्री सवार थे, जिन्हें एनडीआरएफ, भारतीय नौसेना के वेस्टर्न कमांडर और भारतीय वायुसेना ने सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों भगवा रंग सर चढ़कर बोल रहा है। सिर्फ सचिवालय ही नहीं, मुख्यमंत्री आवास का रंग बदल चुका है। कुर्सियां, तौलिया, पर्दे और सोफा तक भगवा हो गए हैं। इसी क्रम में लखनऊ के बाजार में केसरिया रंग की कैरी बैग की डिमांड बढ़ गई है, जहां अब दुकान से लेकर ठेला लगाने वाले सभी लोग केसरिया रंग की कैरी बैग की डिमांड कर रहे हैं। बिहार के जहानाबाद के निजामुद्दीन कस्बे में स्थित एक शिव मंदिर में शिव की सवारी नंदी के जल और दूध ग्रहण करने की खबरें सामने आई है। इसके बाद जिसने भी यह खबर देखी वही कटोरे में जल लेकर नंदी के दर्शन को चल पड़ा, जिसके बाद मंदिर में भक्तों का तांता लग गया है। अगस्ता वेस्टलैंड केस में ईडी की गिरफ्त से फरार होने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। राजस्थान समेत विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश के कारण ट्रेनों का संचालन भी जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसी के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपनी 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में देरी करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए सरकार द्वारा पंचायतों में बैठाए प्रशासकों की नीतिगत फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ये प्रशासक काम तो करेंगे मगर कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल रोडवेज बेड़े के निजी बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत उतारने के मामले में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आने पर रोडवेज तालमेल कमेटी ने सीबीआई जांच की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आगामी दिनों में कमेटी की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। झारखंड सरकार के एक मंत्री सीपी सिंह ने कांग्रेस के मुस्लिम विधायक इरफान अंसारी से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा और कहा कि वह राम वाला है। बाद से इस मामले ने देश भर में तुल पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने रमन सिंह सरकार के दौरान जबरिया सेवानिवृत्त किए गए अधिकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि रमन सिंह सरकार में जिन अधिकारियों कर्मचारियों की 20 साल की सेवा या 50 साल की आयु पूरी हो गई थी उसे सेवानिवृत्ति दे दिया है। हिमाचल सरकार के प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने के फैसले पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है और शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से इसे लागू माना जाएगा। पंजाब कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि सिद्धू अमरेंद्र सरकार से जरा सा भी नाराज नहीं है और अब वह पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी विपक्षी पार्टी अभी तक अपने लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ रही है और हम संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में लगे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दौरे से लौटने के तत्काल बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती किए जाने को लेकर राज्य की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र के फैसले ने घाटी के वातावरण को असमंजस में डाल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर में सुरक्षा बलों की कोई कमी नहीं है और कश्मीर की समस्या को सैन्य संसाधनों से नहीं सुलझाया जा सकता। कर्नाटक के बेंगलुरु विकास प्राधिकरण यहाँ की बेलंदूर झील को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक गहरे सीवेज का निर्माण कर रहा है ताकि झील में जाने वाले गंदे पानी को मोड़ा जा सके। आपको बता दें कि बेलंदूर झील के पानी का उपयोग पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को कचरे का निष्पादन करने और रिसाइकल करने के लिए चेन्नई विकास प्राधिकरण ने 18 कंपनियों को कचरे का निष्पादन करने और इससे जैविक खाद बनाने के लिए प्रोसेसिंग सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के कोयंबटूर के सहोदरी फाउंडेशन की कल्कि सुब्रमण्यम की ओर से LGBTQ समुदाय के लिए रेनबो प्राइड फेस्टिवल आयोजित किया गया। पुंडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पुंडुचेरी के पूर्व नौकरशाह TS बालकृष्णन को राज्य का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हमारे संवाददाता संजय कुमार भारती बता रहे हैं कि सोनभद्र नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीना क्षेत्र के प्रेरणा महिला समिति, ककड़ी क्षेत्र की एकता महिला समिति एवं कृष्णशिला क्षेत्र की जागृति महिला समिति की ओर से संयुक्त रूप से सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार बता रहे हैं कि मैनपुरी पुलिस ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पकड़े गए आरोपी ने खुलासा किया है कि डेढ़ माह पहले मैनपुरी के एक ग्राम प्रधान को निशाना बनाए जाने में यही अभियुक्त शामिल था। जम्मू कश्मीर के पुंछ से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे जलाश में करगिल के दौरान शामिल रहे भारतीय सेना के जवान जुगल किशोर की याद में सेना के रोमियो फोर्स की तरफ से रन एंड फन प्रोग्राम आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मोइन कुरैशी केस में सतीश बाबू सना को राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सतीश बाबू ने ही पिछले सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना पर 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीबीआई में खुल्लम खुल्ला गतिरोध शुरू हुआ था। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो अपने ऑपरेटिंग के 3 साल के भीतर ही देश की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर बन गई है और फिलहाल कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या 33.13 करोड़ है, जबकि वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या घटकर 32 करोड़ रह गई है।
तीन तलाक कानून को लेकर यूपी में बरेली के दरगाह आला हजरत दरगाह के सज्जादानशीन मुफ्ती असहन रजा खान कादरी ने सरकार पर इस बिल के बहाने देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का अंदेशा जताते हुए कहा कि तीन तलाक वैध था, है और वैध ही रहेगा क्योंकि इस्लामिक कानून का आधार कुरान है। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।